गुजरात के इलाका दौलत नगर के गांव बोकन में इंतहाई अफसोसनाक कत्ल का वाक्या पेश आया है, जहां पर एक बुरे शख्स को घर में दाखिल होकर पहले तशद्दद का निशाना बनाया गया और उसके बाद छुरी से वार करके उसका गला भी काट दिया गया। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गुजरात के इलाका थाना दौलत नगर के गांव बोकन शरीफ में, जहां पर एक 76 साल शख्स जिसका नाम अल्ताफ हुसैन बताया गया है, वो अपने घर में सो रहा था कि अचानक उसके घर में मुसल्लह अफराद घुस आए और आते ही उसे तशद्दद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसको तेज धार आला के साथ बेदर्दी से उसका गला भी काट दिया और गला काटने के बाद मौका से फरार हो गए। इतना मिलते ही दौलत नगर पुलिस मौका पर पहुंची और मकतूल अल्ताफ हुसैन की लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाई। थाना दौलत नगर पुलिस से इसका मुकदमा जो है नामालूम तीन मुल्जमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। मकतूल के भतीजे शफी की मदयत में नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ये अंधा कत्ल है, खूनी डकैती का वाकया नहीं है। ताहम अहले खाना इस पर सरापा एहतजाज भी हैं। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई है और जिसे अबाई इलाका के कब्रस्तान में सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। ज़िला गुजरात में अंधे कत्ल खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, खास तौर पर बुरे अफराद को कत्ल करने के वाकयात में भी इजाफा हुआ है। पुलिस तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। इलाका की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द कातिल जो है जेल की सलाहों के पीछे होंगे। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।